खबर पन्ना जिले के पवई से है, जहां ग्राम पटोरी में उल्टी और दस्त की गंभीर बीमारी से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए विधायक प्रहलाद लोधी गुरुवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। इस दौरान विधायक ने सभी मरीजों का हालचाल जाना और स्वास्थ्य टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी के मुताबिक उल्टी दस्त से 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिस पर विधायक लोधी ने गंभीर स्थिति के कारणों की जांच कर इसका पता लगाने के लिए निर्देशित किया। तो वहीं CMHO त्रिपाठी ने स्थिति पर निरंतर नजर बनाए रखने की बात कही। मैं अभी वहीं से लौट रहा हूं और जो 3 मौतें हुई हैं और एक ही घर की हुई है, और उन घर वालों से मैंने पूरा स्टेटमेंट पूरी जानकारी बैठ के ली है। कल सुबह तक वहाँ उनको कोई दिक्कत नहीं थी, ना उल्टी दस्त था, ना बुखार था, ना किसी तरह की दिक्कत थी। जो 3 अपने पेशेंट थे, उनको 1-2-3 घंटे के अंदर ही उनको असामान्य टाइप के कुछ लक्षण आए हैं और लास्ट में केवल 1 उल्टी और 1 दस्त हुआ है। उसके बाद उनकी डेथ हो गई है और संभवतः कुछ खाने से हुई होगी, ऐसी संभावना पूरी लग रही है। फूड पॉइजनिंग जैसा कि अभी आपको बताया गया है, तो संभावना तो यही लग रही है। बाकी और जगहों में हम लोगों ने पता किया, गांव में कहीं भी ऐसा आउटब्रेक या उल्टी दस्त जैसी एपिडेमिक की संभावना या केसेज हमें नहीं मिले हैं। जिनको इस तरह केसेज हो रहे हैं, कुछ संभावित केसेज ऐसे थे जिनकी तकलीफ पड़ सकती है कुछ, उनको सुबह ही यहाँ वही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है और अभी स्टेबल हैं। गाँव में भी कोई नए केस आज की स्थिति में नहीं पाए गए हैं। जो भी केसेज हुए हैं कल तक ही हुए हैं और अचानक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग को, तहसीलदार को, सभी को अवगत कराया गया। तत्काल हमारी पूरी टीम ने, जिले की पवई की टीम ने जाकर अपना मोर्चा संभाला और लोगों को ला करके अस्पताल भर्ती किया। मैं भी देखा तो जब उन लोगों से चर्चा की गई तो उन लोगों ने कहा खान पान से, जब उन्होंने बताया कि पवई से हमने दाल चावल लिए थे, उस भोजन को बनाया, उससे बीमार हुए थे और लोग तो जैसे उसमें चर्चा हुई कि सब लोगों ने कैसे, तो वे लोग एक साथ आदिवासी लोग तो सामान लेने आते थे, एक साथ सामान लिया, एक ही दुकान से लिया, वो चावल दाल खाने से कुछ उसमें पॉइजन रहा होगा कि बाहर का, उस कारण से वो लोग बीमार हुए हैं। उसके लिए हमारी पूरी की पूरी टीम सतत प्रयास कर रही है, ट्रीटमेंट लगातार हमारे मुंबई के सभी CMHO साहब पन्ना से हैं, यहाँ के हमारे शर्मा जी और सभी DMO सभी डॉक्टर साहब सब लोग पूरी तरह से ताकत से उनके ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं।